हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉर्टेड एरे में कैसे इंसर्शन किया जाए। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एरे का सिंपल इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल फंक्शन डिस्कस किया था। हम लोग एरे के इंसर्शन फंक्शन को ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सॉर्टेड एरे अगर मुझे गिवन है तो उसमें कैसे हम पोजिशन को आइडेंटिफाई करें और उस आइडेंटिफाइड पोजिशन में इंसर्शन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करें। लेट्स से आपके पास ये इस तरह का एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स आपके गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इंडेक्सेस अगर हम मार्क करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये इंडेक्सेस हैं। अगर आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्शन कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपको पोजिशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी या पोजिशन फाइंड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि किस पोजिशन पर हमें इंसर्शन करना चाहिए। तो लेट्स से मुझे जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो है 45। तो अगर मुझे 45 को इंसर्ट करना है तो मैं 45 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मान लेता हूँ कि 45 एक्चुअली एक्स वैल्यू है और एक आई इंडेक्स ले लेता हूँ जो कि 0 पोजीशन पे है। और मैं चेक करता हूँ कि अगर 45 मेरा 0 इंडेक्स से बड़ा है तो मैं आई को आगे शिफ्ट कर देता हूँ। 45 20 से भी बड़ा है इसलिए मैं आई को और आगे शिफ्ट कर देता हूँ। 45 30 से भी आगे बड़ा है तो हम 45 को आगे शिफ्ट कर देते हैं, आई को आगे शिफ्ट कर देते हैं। और 45 चूंकि 4 इंडेक्स से भी बड़ा है इसलिए हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब 45 50 से बड़ा नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं अपने ऑपरेशन को। एंड दिस इज द पोजीशन वेयर आई शुड एक्चुअली इंसर्ट द एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक आई ले लिया जिसको 0 इंडेक्स पे इनिशलाइज कर लिया और उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि जब तक एक्स बड़ा है करंट एलिमेंट से, एरे के करंट एलिमेंट से, तब तक हम क्या कर रहे हैं कि आई को आगे बढ़ा दे रहे हैं। फाइन, और जैसे ये पोजीशन हमारी फाइंड आउट हो जाएगी आई पोजीशन, वहां पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि पोजीशन क्या है और इसी पोजीशन पर हमें इंसर्शन करना है। तो हम एक जब ये लूप हमारा फिनिश होगा तो लूप फिनिश होने के बाद हम क्या कहेंगे कि अगर एरे मेरा ए है तो एरे के आईएथ इंडेक्स पर मुझे इंसर्शन करना है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप किस तरह से इंसर्शन करते हैं। एरे का इंसर्शन फंक्शन कॉल कर लीजिए जिसमें हम लोगों ने ए एरे में जिसमें एन एलिमेंट्स थे उसके आई इंडेक्स पे एक्स एलिमेंट को इंसर्ट किया था। 45 को इंसर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 45 आपको इस फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, आपको इन सभी एलिमेंट्स को आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है जिसमें कि हम शिफ्टिंग्स करते हैं एरे के किसी पोजीशन में इंसर्शन के लिए। तो चूंकि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि आई इज दी टारगेट इंडेक्स जहां पे मुझे इंसर्शन करना है, तो मैं एरे इंसर्शन फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग्स करता रहेगा और जब स्पेस फ्री हो जाएगा तो हम आईएथ पोजीशन पे एक्स एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज हमने अभी यहाँ पे देखी। आइए हम और भी चीजों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो है 100। ये डिमार्केशन समझा देते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। तो मान लीजिए कि जिस एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है वो है 100 और 100 एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमने अपना सर्च प्रोसेस स्टार्ट किया इंडेक्स 0 से। हमारा जो सर्च प्रोसेस है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ, आई मेरा 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया और एक्स चूंकि 0 इंडेक्स मतलब 10 से बड़ा है इसलिए हमने आई को आगे शिफ्ट कर दिया। एक्स मेरा इससे भी बड़ा है तो इससे मैं आगे शिफ्ट कर दिया। एक्स 30 से भी बड़ा है आगे शिफ्ट हुए। एक्स 40 से भी बड़ा है आगे शिफ्ट हुए। एक्स इससे भी बड़ा है आगे शिफ्ट हुए। एक्स 60 से भी बड़ा है हम आगे शिफ्ट हुए। एक्स हमारा इससे भी बड़ा है हम आगे शिफ्ट हो गए। एक्स इससे भी बड़ा है हम आगे की तरफ शिफ्ट हुए। जैसे हम आगे की तरफ शिफ्ट हुए हमारा जो एलिमेंट है इंडेक्स जो है वो 8 इंडेक्स पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि ये इनवैलिड इंडेक्स पे पहुंच गया। अभी तक मेरे पास जो वैलिड इंडेक्सेस थे वो n-1 तक थे लेकिन ये आई 8 इंडेक्स पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है ये इनवैलिड इंडेक्स है मेरे लिए। यहाँ पे हम इंसर्शन प्रोसेस को नहीं कर सकते। या यहाँ पे यहाँ से अगर अगर आपका जो लूप अगर देखा तो लूप कंटिन्यूअसली इसको जो है कंपैरिजंस करता रहेगा। तो कंपैरिजंस को रोकना हमें पड़ेगा इस पोजीशन पे अगर आई ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है लास्ट इंडेक्स को। तो हम एक काम यहाँ पे करते हैं कि एक कंडीशन एडिशनल लगा देते हैं और वो एडिशनल कंडीशन ये है कि अगर आई लेस देन एन है तभी हम इस कंपेरिजन को परफॉर्म करेंगे। अगर आई लेस देन एन नहीं है तो हम कंपेरिजन को परफॉर्म नहीं करेंगे और इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे।
जैसे कि इस केस में आई 8 हो गया, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है और 8th इंडेक्स पे इंजर्शन कर देना है, तो निश्चित रूप से ये हमारा इंजर्शन प्रोसेस जो है वो इसको हैंडल कर लेगा कि 8th इंडेक्स पे कैसे इंजर्शन करना है। तो आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ऑर्डर्ड इंजर्शन होगा। लेट्स से इसका जो हम नाम दे रहे हैं उसका नाम है ऑर्डर्ड इंजर्शन, और ऑर्डर्ड इंजर्शन में मेरे पास ए एरे है और उसमें एन एलिमेंट्स हैं और उसमें मुझे एक्स एलिमेंट को इंसर्ट करना था। आइए इस एल्गोरिथम को कंप्लीट करते हैं विद द कीवर्ड्स, राइटिंग द कीवर्ड्स। जो हम एल्गोरिथम कीवर्ड यहाँ लिखते हैं एंड देन अब बिगिन एंड एंड एंड, फाइन। तो ये मेरा एल्गोरिथम हो गया। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरा पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ जिसमें कि एरे इंसर्शन प्रोसेस को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, तो इसी में हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और मेरा ये बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसा ही है जो हमारे पास गिवन थे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इस एरे में इनिशियली 8 एलिमेंट्स हैं और इसके बाद फिर मैं इसमें और एलिमेंट्स इंसर्ट करूंगा। लेट्स से मैंने इसकी जो साइज है उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज ले लिया है, लेट्स से 20 साइज का मैंने एरे ले लिया है, और इसके बाद फिर एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो मैं सबसे पहले ट्रेवर्स करके एलिमेंट्स को देख लेता हूँ। पहला स्टेप तो मेरा ये है कि मैं ट्रेवर्स करके देख लूँ, एंड देन ट्रेवर्सल के बाद फिर मैं ऑर्डर इंजर्शन कॉल करके ऑर्डर इंजर्शन परफॉर्म करूंगा। सो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑर्डर इंजर्शन, और इस ऑर्डर इंजर्शन फंक्शन में मैंने ए एरे में जिसमें कि एन एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, लेट्स से मुझे 45 इंजर्ट करना है। एंड देन इसके बाद मैं ट्रेवर्स करके देख लूंगा कि इंजर्शन मेरा प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। अब चूंकि ऑर्डर इंजर्शन भी जो साइज चेंज करेगा एन को, इसलिए मैंने ऑर्डर इंजर्शन में भी एन का एड्रेस पास किया। ऑर्डर इंजर्शन नाम का मेरे पास एक फंक्शन है और इस ऑर्डर इंजर्शन फंक्शन में मेरे पास एक ए एरे गिवन है जिसमें एन एलिमेंट्स है और इसमें मुझे एक एलिमेंट एक्स को इंजर्ट करना है। आइए इसका हम डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, और किसी एलिमेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा कि व्हाइल एक्स इज ग्रेटर देन ए आई, मैं आई को आगे बढ़ाता रहूंगा और जब मुझे पोजीशन मिल जाएगी तो मैं एरे इंसर्शन फंक्शन को कॉल करूंगा, और एरे इंसर्शन इंसर्शन फंक्शन में चार पैरामीटर पास करूंगा, ए एरे जिसमें एन एलिमेंट है उसके आई इंडेक्स पे एक्स एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है। तो यार इंसर्शन फंक्शन इसको डील कर लेगा जो भी शिफ्टिंग ऑपरेशंस इसको करने होंगे। एक जो हमने एल्गोरिथम में डिस्कस किया था कि हमारा कंपैरिजन तभी तक चलेगा जब तक कि आई लेस देन एन है, इसका मतलब ये है कि जब तक आई अपनी लिमिट में है तब तक जो है ये इसको पढ़ता रहेगा, फाइन। इसके बाद फिर मैं इसको एक बार फिर से आपको बता दूं कि ऑर्डर इंसर्शन फंक्शन में हमने यहाँ पे पास किया था स्टार एड्रेस पास किया था, तो इसलिए स्टार एन में एक्सेप्ट होगा, और जब हम एरे इंसर्शन फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसमें एन को पास करने का मीनिंग ही यही है कि हम इसका एड्रेस पास कर रहे हैं। तो ये चूंकि पॉइंटर वेरिएबल है तो सिंपली आप अगर नाम लिख देंगे पॉइंटर वेरिएबल का तो ये डील कर लेता है इसको, या इसको ट्रीट करता है एज अ एड्रेस। तो मेरा ऑर्डर इंजर्शन फंक्शन बन गया है, और ऑर्डर इंजर्शन फंक्शन में जो रिटर्न टाइप होगा वो वॉइड होगा। तो फीस इसमें रह गई है कि इसमें हम आई को स्टार एन से डिनोट करें। आई होप अब इसके पास कुछ सही चलना चाहिए, रन करके देख लेते हैं। किसी गलती और है उसको हम सुधार लेते हैं कि जो आई हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, आई हमारा 0 इंडेक्स पे इनिशियलाइज होगा तभी हमारा ऑपरेशन आगे की तरफ या हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि 45 हमारा 65 हमारा इंसर्ट हो गया है 60 के बाद। तो जो डेटा वैल्यू है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, 45 की जगह 65, तो इसलिए 65 का जो इंसर्शन हो रहा है वो 60 के बाद हो रहा है। और भी इंजर्शन देख लेते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि 65 का इंजर्शन 60 के बाद हो रहा है। फर्दर आप इसमें और भी चेक कर सकते हैं कि आप एक और इंजर्शन कर लीजिए, तीन चार इंजर्शन कर लीजिए इसमें,
लेट्स से मुझे 15 इंसर्ट करना है, लेट्स से मुझे 100 इंसर्ट करना है, लास्ट पोजिशन पे इसका इंसर्शन होना चाहिए, एक 35 इंसर्शन कर लेते हैं और एक 25 इंसर्शन कर लेते हैं। रन करके देखते हैं कि इन 5 इंसर्शन के बाद हमारी सिचुएशन क्या है एरे की। तो 15, 10 और 10 और 20 के बीच में इंसर्ट हुआ, 25, 20 और 30 के बीच में, 30 और 40 के बीच में 35 का इंसर्शन हुआ और लास्ट में 100 इंसर्शन हुआ। तो आई होप आपके समझ में आया होगा ऑर्डर्ड इंसर्शन, और हम इसको यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।